शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित पहले सर्वे वेसल को आज लॉन्च किया गया। सर्वे वेसल यार्ड का लॉन्च पुष्पा भट्ट ने किया। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। ये जहाज बंदरगाहों के पूर्ण पैमाने और गहरे पानी के हाइड्रो ग्राफिक सर्वेक्षण में सक्षम है। इसके साथ ही जहाज समुद्री सीमा का सर्वेक्षण करने और भौगोलिक डेटा के संग्रह में भी सक्षम है। इस जहाज की डिजाइन GRASI की टीम ने किया है। जहाज का निर्माण IRS की सहयोगिता में किया गया है। ये जहाज चार सर्वे वेसल की अनुबंध का पहला जहाज है। इन जहाजों को फिक्स्ड पिच प्रोपेलर के साथ दो मरीन और डीजल इंजनों द्वारा संचालित किया जाता है। इस जहाज की लंबाई 110 मीटर है और ये 18 नॉट्स की गति से सफर कर सकता है। हमने इस जहाज में एक बहुत बड़ी खासियत पहली बार की है कि पूरे जहाज का हमने 3D मॉडल बनाया। हमारे पास वर्चुअल रियलिटी लैब है जिसके माध्यम से हमारे डिज़ाइन इंजीनियर्स ने पूरा डिज़ाइन हमारा खुद का GRASI का है ये, और उसको हमने इंटीग्रेट कंस्ट्रक्शन मतलब इस जहाज को हमने अलग अलग ब्लॉक्स में बनाया है, और उस ब्लॉक्स में बनाने से अलग अलग जगहों में उसका कंस्ट्रक्शन जो प्रोग्रेस था बहुत तेज था। तो हमने दो चीज़ें पूरा अपना इनहाउस डिज़ाइन है वो पूरा इसमें GRASI का आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस पूरा डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन पूरा और बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ इसके कारण हमारे पूरे इस ईस्टर्न जोन में। और इस साल हम लोग कोशिश करेंगे जहाज को इंडियन नेवी को डिलीवर कर दें। इस जहाज का रोल जो है वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता है। ये इसमें बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लास सर्वे इक्विपमेंट फिटेड हैं, सेंसर फिटेड हैं, इसमें तमाम ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं जिसके होने से जहाज बहुत एडवांस होगा। तो जो भी जितने अपने कोस्टल है डीप वाटर सर्वेलेंस होता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेलेंस होता है, ओशनोग्राफिक सर्वेलेंस होता है, वो सब करेगा। तो हमारे भारतीय नौसेना का ये बहुत बड़ा अभिन्न अंग बन जाएगा।